हमारा राशन जिला प्रशासन, हमारा राशन जिला प्रशासन, हमारा राशन जिला प्रशासन। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन। सर हमारे राशन कार्ड चालू नहीं हो रहे हैं और हमें जगह जगह धक्के खाने पड़ रहे हैं, जिसमें के नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, लेकिन उसके कारण भी गरीब लोग भूखे सो रहे हैं। लेकिन इतने इतने घर में किस तरीके से करें, इतने बच्चे हैं, उसका पालन पोषण है, वो किस तरीके से कर सकते हैं। लॉकडाउन में सब काम तो बंद है, रोजगार बंद है, राशन कार्ड चालू नहीं है, तो क्या करेगा मजदूर आदमी, गरीब आदमी क्या कर सकता है। अब राशन कार्ड के लिए कितने हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं, कितनी हमें मजबूरी उठानी पड़ रही है। चार दिन हो गए मैं ये धक्के खाते खाते, छः दिन से तो रोड डेली हमारे हाथ पैरों में छाले हमारे पड़ गए पैर तक, और कुछ भी नहीं मिलने दे रहे। पुलिस वाले और डंडे मार रहे हैं, भगा रहे हमें। राशन डीलर से हमारी बात हुई, वो हमें भगाते, तो बोले कलेक्टर ऑफिस जाओ। कलेक्टर ऑफिस से बात हो ही नहीं पा रही, पहली बात तो आटा भगा देते हम लोगों को। और पार्षद तो हमारा सुनने को राजी है ही नहीं, पार्षद तो कह रहा है कि वहाँ जाओ सीधे कलेक्टर बात करो जाके। लोंगिया से। आपका नाम बताओ। जी मेरा नाम परवीन है। दिन से आ रहे हैं सर, हम आज 7 से 8 दिन से आ रहे हैं, रोज पुलिस लाइन महादेव नगर से हूँ मैं। हम लोग रोज आते हैं, हम लोग के जैसे कई परिवार ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं, उनके भी बच्चों को छोटों को वो छोड़ के आते हैं। हमारे पार्षद हालांकि हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनके हमारी तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि हम लोगों को वहाँ से कुछ नहीं मिलता। जाते हैं तो बोलते हैं सील साइन नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। राशन की दुकान पे जाते हैं तो वो हमें दूध काट के भगा देते हैं। आज ऐसी स्थिति में ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग कब देंगे इन लोगों का साथ सर? पर हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है सर, हम लोगों से तो हम लोग बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि 2 महीने से हम लोगों के पास जो था हम लोगों ने बैठ के खाया है। पर अब लोग हम लोगों की वो भी स्थिति नहीं कि आज हम लोग कुछ कमा के खा सके, कोई नौकरी नहीं देता है, कोई कुछ नहीं करता है। आज स्थिति ऐसी है कि आज अपने घर में घुसने से पहले लोग मना करते हैं। आज 2 दिन पहले हम लोगों ने किसी से पानी मांगा तो उनने साफ मना कर दिया कि पानी नहीं है। जो वो लोग पानी नहीं पिला सकते तो आज हमें घर में कैसे घुसने देंगे? हम लोगों के वहाँ काम कर करके अपना पेट भर रहे हैं, पर वो भी नहीं हो पा रहा है सर। आज क्या मांग करते हैं हम लोगों से? सब यही मांग करते हैं कि कम से कम हमें तो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत राशन चालू कर दिया जाए, बाकी और कुछ नहीं हमें। ठीक है, आपका नाम बताएं। किरण कंवर। समस्या यही है जो मैडम की थी, राशन कार्ड के चक्कर में वो लोंगिया से आए हैं, मैं फाइसागर रोड से आया हूँ। कोई पार्षद सुनवाई नहीं करता है, कोई राशन वाला सुनवाई नहीं करता है। इधर मैं 6 दिन से रोज आता हूँ, यही बात होती है कि खुल गया DSO ऑफिस, इधर आते इधर भगा देते हैं। ये अभी भी आपके लिए बताया कि इधर इंटरव्यू चल रहा है तो आप उधर जाके बात करिए, तो ये समस्या का तो कोई हल होने वाला नहीं है। दो महीने से बेरोजगार बैठे हैं। पार्षद से शिकायत करी आपने? पार्षद से सारी बात करी, उन्होंने भी ऐसा दिलासा दिया कल आना शाम को आना, उसके बाद हमारे को कुछ ही नहीं मिला। क्या करेंगे आगे, कुछ बड़ा कदम? हम क्या बड़ा कदम उठा सकते हैं आगे? कुछ सरकार ही कुछ फैसला ही नहीं दिखा जा रहा है, कोई रास्ता ही नहीं दिखा जा रहा है। तो कह रहे हैं भाई उच्च अधिकारी जाओ उधर, तो पहले ही जाने नहीं देते। आज मेरे को 6 दिन से रोज चक्कर काटता हूँ, यही मैडम वाली बात है। ये लोंगिया से आई है, मैं भाईसागर रोड से आया हूँ। राशन डीलर कह रहा है आपसे? राशन डीलर कह रहा है जाके वहाँ से सील लगाओ और जाके आप DSO ऑफिस जाओ। क्यों बता रहे? वो खुला हुआ है। वो क्यों बता रहे कि वहाँ सील लगाना जरूरी है? भाई कभी हमने लिया नहीं, तो जैसे अभी आ रहा है कि जो जिन्होंने नहीं लिया वो भी ले सकते हैं। और अभी 20 दिन से यही बोला जा रहा है कि ठप्पा लग रहा है, पर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम चेतन लालवानी है, मैं भाईसागर